ये हैं अनिल अंबानी। तो इस गर्मी सॉन्ग ने अभी पूरा धूम मचा के रखा है और नॉर्थ इंडिया में अभी इतनी ठंडी चल रही है, लोग इस गाने को सुन के काम चला रहे हैं, जैकेट वैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है इस गाने को सुनने के बाद। मैंने तो ये भी सुना है कि माइनस टेम्परेचर में भी ये वाला सॉन्ग काम कर रहा है। एंड दिस सॉन्ग इज़ रियली टू हॉट टू रिजिस्ट। आज से नोला फतेह ही मेरी फेवरेट। वेलकम बैक टू द चैनल। इस वक्त मैं हूँ, अब मैं कहाँ हूँ वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊँगा। मैं हूँ सौरभ, आप तो जानते हैं। ये हैं धर्मेंद्र भैया। तो आज हम जहाँ जाने वाले हैं वहाँ पर हम दोनों जा रहे हैं और जो आपने टाइटल देखा है वही सुन के हम लोग भी वहाँ जा रहे हैं। तो चल के वहाँ देखते हैं वहाँ पे क्या है। तो मैं उस जगह पे अब पहुँच चुका हूँ, तो आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो बेसिकली ये एक विलेज थीम्ड रेस्टोरेंट है। आप ये समझ लो कि अंदर घुसते ही आपको ऐसा लगेगा कि आप छोटे से गांव में आ गए हो। तो ये जगह वैसी ही फील दे रही है गांव वाली। तो इस रेस्टोरेंट का नाम है विशाला विलेज थीम्ड रेस्टोरेंट और बहुत ही पसंद आई मुझे ये जगह। और यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी यहाँ पर आ चुके हैं और आते रहते हैं। तो आइए मैं चल के दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पर कौन कौन सेलिब्रिटीज़ आ चुके हैं। तो ये हैं सामने बच्चन साहब, ये भी यहाँ पर आ चुके हैं और ये जहाँ पे खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, पता ही होगा आपको। और इस वाली फ़ोटो में मुझे दिख रही हैं अमृता सिंह, जया बच्चन, अमृता सिंह सारा अली खान की मम्मी, सैफ अली खान की पहली वाली वाइफ। और ये भी ये लगभग फ़ोटो सेम है उसी टाइम की। और सामने मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, यहाँ पे भी बच्चन साहब हैं। और ये जो है ये हैं अनिल अम्बानी, हरभजन सिंह शान जो सिंगर हैं बॉलीवुड के जाने माने। इधर है बाबा रामदेव और नीचे है ये संजय लीला भंसाली। और कौन है भैया इधर, और यहाँ आदित्य रॉय कपूर, परिणीति चोपड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, मोदी साहब, धोनी है साक्षी धोनी। और नीचे विराट कोहली, युवराज सिंह, रोहित शर्मा। इस वाले फ़ोटो में वीवीएस लक्ष्मण है। यहाँ पे है तेंदुलकर, अजीत आगरकर, हरभजन सिंह और ये अजिंक्य रहाणे। इधर भी विराट कोहली है। तो इतने सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और ये प्रॉपर्टी 42 साल पुरानी है, 1978 में इस्टेब्लिश हुई थी ये रेस्टोरेंट। उनको वहाँ पे लगी हुई फ़ोटोज़ को देख के समझ में आ ही गया होगा आपको कि ये कितनी ओल्ड प्रॉपर्टी है। यहाँ पे एक एंटिक बर्तनों का एक म्यूज़ियम भी है। मैं उस म्यूज़ियम के अंदर हूँ और यहाँ पे जितने भी बर्तन रखे हैं वो सारे 100 साल से 1000 साल पुराने हैं। और इनके कलेक्शन करने में इनके जो ओनर है जिनका नाम है सुरेंद्र भाई पटेल, उन्हें 60 ईयर्स लगे हैं इस सारे कलेक्शन को यहाँ पे रखने में। और ये देख सकते हो कितनी पुरानी पुरानी बर्तने हैं यहाँ पर, चाय की केतली, घरे, बाकी सारी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे लंच करने। तो ये भाई साहब आ गए हैं लंच का सामान लेके। खाना तो बढ़िया लग रहा है। ये बाजरे की रोटी है। हाँ, ये परोठा। ओके, तो खाना मैंने टेस्ट कर लिया है, खाना बहुत ही बढ़िया है। मैंने मंगवाया है पराठे और आलू मटर की सब्ज़ी और ये है पापड़ और ये छाछ। और धर्मेंद्र भैया ने मंगवाया है यहाँ पे रोटला। ये रोटला बाजरे की रोटी को रोटला बोलते हैं और ये बैंगन का भरता है और ये अचार है। और बाकी इन्होंने ये स्वीट्स दे रखे हैं और सैलड है।
और पानी पीने के लिए भी इन्होंने मिट्टी का बर्तन दिया है मुझे, ग्लास नहीं है। ये जगह फेमस है गुजराती फूड्स के लिए, यहाँ पे आपको गुजराती फूड्स मिलेंगे। और यहाँ पे जो लंच की टाइमिंग है वो है 12 बजे से 3 बजे की, और डिनर का है 7 to 10 PM। ये जगह अहमदाबाद में है, तो अभी मैं अहमदाबाद में हूँ। और अभी ऊना करके गुजरात में जगह है जहाँ पर मैं एक शादी में आया हुआ था, रवि भाई हैं हमारे, उनकी शादी थी तो उनकी शादी में ही मैं आया हुआ था। जो मेरी ट्रेन थी रिटर्निंग की वो अहमदाबाद से ही थी, तो इसलिए अहमदाबाद में मेरे पास टाइम था, जो इस जगह के बारे में मुझे पता लगा तो फिर मैं आ गया यहाँ पे। तो इस ब्लॉग में बस इतना ही, सी यू गाइस इन नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बी हैप्पी ऑलवेज, एंड ऑफ कोर्स कीप ट्रैवलिंग, कीप ट्रैवलिंग। नूरा फतोही, अरे दिस सॉन्ग इज रियली टू हॉट टू रेजिस्ट, दिस सॉन्ग इज रियली टू हॉट टू रेजिस्ट। आज से